Hello students, let's talk about the title of the play Tara by Mahesh Dattani. Tara, the title is quite apt and suggestive. It brings out the very spirit of the play. Tara is the protagonist who wanted to twinkle like a star. तारा मीन्स स्टार है ना. तो तारा वॉन्टेड, तारा इज द प्रोटेगनिस्ट, तारा इज द नेम ऑफ द करेक्टर है ना. द होल ऑफ द स्टोरी लाइन रिवॉल्व्स अराउंड हर. सो तारा द प्रोटेगनिस्ट वॉन्टेड टू ट्विंकल लाइक हर नेम बट कुड नॉट बिकॉज द सोसाइटी विद इट्स पेट्रियार्कल फ्रेम डज नॉट लेट फीमेल come on equal terms with me. So the title is suggestive enough. The ironic contrast is suggestive. The ironic twist in the name Tara. Naam mein bhi twist hai. Kaise? Tara is the name of a female. Tara is a female name instead of some masculine name, and it foregrounds the अनयूजुअल एस्पेक्ट. बात को पकड़ना और देखना ही है ना. तो तारा एक लड़की का नाम है, प्ले का नाम तारा है और तारा का नाम एक लड़की का नाम है. और इसका मतलब कि समथिंग अनयूजुअल इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द प्ले. सो इनफैक्ट द प्ले इज अ स्टडी ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. मोर ओवर वट तारा फील्स और हाउ शी रिएक्ट्स टू द रियलिटी. That is, manipulations done at the time of surgery cover the major part of the play. है ना, जो कुछ हुआ surgery के time पे, जो manipulations हुई, वही इस play का main part है. From every angle, the title is suitable. So even in the 21st century, even when in India, girls repeatedly prove themselves in every field, the deep-rooted gender discrimination continues, even among the affluent and educated people living in so-called modern society, in modern life or in the metro cities. Dattani deems the gender issues more prominent than the class discrimination. Though both issues are prominent in today's society. Tara circles around the grave and traditional issues of gender bias. The son and daughter delivered from the same womb are preferentially treated by no less than parents themselves in the intoxication of superstition and ancestral beliefs. And the daughter is sacrificed for the short-term benefit of a son. यही बात है ना कि पूरा नॉवल, पूरा प्ले इस सीरियस मुद्दे के ऊपर सेंटर्ड है कि सन और डॉटर एक ही वूम से हुए हैं, है ना, और उनको अलग अलग तरह से उनके साथ बर्ताव होता है, स्पेशली उन पेरेंट्स की तरफ से. क्या और पेरेंट्स क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ द सुपरस्टिशन, बिकॉज ऑफ द एंसेस्ट्रल बिलीफ, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक विश्वास, अंधविश्वास कहेंगे हम, जो चलते चले आ रहे हैं. और उन विश्वास, उन अंधविश्वासों के तहत एक लड़की को सेक्रीफाइस देना पड़ता है, लड़की का त्याग करना पड़ता है, लड़की को ही त्याग करना पड़ता है उस शॉर्ट टर्म फायदे के लिए जो हम सोचते हैं. आने वाले समय में लड़का नालायक निकलता है या एक सेवा करने वाला निकलता है, वो तो बाद की बातें हैं, पर बर्थ के टाइम ही ऐसा भेदभाव कर दिया जाता है. सो ऑल द प्रिविलेजेस आर गिवन टू अ मेल चाइल्ड एंड द डॉटर इज कैप्ट बैक. So the play is of course contextual and relevant
in the light of increasing incidence of feticide, infanticide, and the widening gap in the sex ratio of male and female. इसी वजह से आज की तारीख में भी मेल फीमेल रेशो में इतना ज्यादा गैप है. बाल हत्या, पैदा होते ही बच्चे को मार दिया जाता है. कल है तो अभी भी हो रहा है कई कम्युनिटीज में, है ना. पहले ही टेस्ट करवा लिया जाता है, इतना ज्यादा जुर्माना, फाइन और इतनी पनिशमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाने के बावजूद भी कई जो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं वो अभी भी पहले से जांच करवा लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि जो वूम में चाइल्ड है वो मेल है या फीमेल है, और फीमेल है तो उसको वहीं मार दिया, मरवा दिया जाता है ना. दिस इज द प्रोग्रेसिव सोसाइटी, सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव. इसको हम प्रोग्रेसिव समाज कहते हैं, उन्नतशील समाज कहा जाता है. सो इन द प्ले वी फाइंड दैट तारा इज द डॉटर ऑफ एन एजुकेटेड हायर मिडिल क्लास फैमिली इन बेंगलोर. The story of the play is about the twins who are born with three legs and blood supply to the third leg is from the baby girl's body. समझ आया कि दो बच्चे पैदा होते हैं, उनकी तीन टांगे हैं और तीसरी टांग को जो ब्लड की सप्लाई है वो लड़की की बॉडी से हो रही है. Only one of the twins could have two legs. तो अंडरस्टूड सी बात है कि दो, एक ही बच्चे को दो टांगे मिलेंगी, है ना. ओनली वन ऑफ द ट्विन्स कुड हैव टू लेग्स एंड द अदर हैड टू सर्वाइव विद ओनली वन लेग. सो इट इज डिसाइडेड टू फिक्स द थर्ड लेग ऑन टू द मेल बेबीज बॉडी सो एज टू मेक मेल बेबी परफेक्ट. तो ये डिसाइड किया जाता है कि तीसरी टांग तो मेल बेबी की बॉडी को लगेगी, है ना, क्योंकि मेल बच्चा जो पैदा हुआ है वो परफेक्ट होना चाहिए. सो दिस डिसीजन वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल ग्राउंड बट ड्यू टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन अवर सोसाइटी. तो ये डिसीजन मेडिकल ग्राउंड पे नहीं हुआ, ये डिसीजन किस ग्राउंड पे हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे समाज में हो रहा है उस ग्राउंड पे हुआ. महेश दत्तानी हैज वेरी डेफ्टली डेल्ट विद द फेट अवेटिंग द गर्ल चाइल्ड. तो ड्रामेटिस्ट ने क्या किया, उसने एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही क्रियात्मक तरीके से उस लड़की का क्या भाग्य होता है और उसके साथ क्या होता है और वो क्या फील करती है उसको उसने दिखाया है. द सोशल नॉर्म्स, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, cultural factors, they have been responsible for the injustice against the girl child. तो सामाजिक जो मान्यताएं हैं, सामाजिक जो तौर तरीके हैं, आर्थिक जो कारण है, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स जो हैं, कल्चरल फैक्टर्स, संस्कृति के जो तौर तरीके हैं, वही जिम्मेवार है इस अन्याय के लिए जो उस लड़की के साथ हुआ. किसके साथ हुआ, तारा के साथ. सो ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड टू क्रिएट दैट सोशल सिस्टम इन विच द गर्ल हैज टू लिव एंड डाई. ये सभी फैक्टर्स मिलके वो सोशल सिस्टम बनाते हैं जिसमें उस लड़की को जीना है और मरना है. तारा इज किल्ड बाय द सोशल सिस्टम. तो हम क्या कहेंगे कि तारा को किसने मारा, इस सोशल सिस्टम ने मारा, विच कंट्रोल्स द माइंड्स एंड एक्शंस ऑफ द पीपल. द ट्रॉमा ऑफ कमिंग टू नो द रोल हर मदर हैड प्लेड इन हर लाइफ एंड द डिस्क्रिमिनेशन बिकम्स टू मच फॉर. सबसे बड़ा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस तारा के लिए तब होता है जब उसको पता चलता है कि उसके बर्थ के टाइम पे ये डिसीजन लेना, किसने ये डिसीजन लिया, उसकी मदर ने लिया. उस मदर ने जिसके ऊपर वो इतना ज्यादा, जिसके ऊपर उसका ब्लाइंड फेथ था.
तो उस ट्रॉमा को फिर वो झेल नहीं पाती, शी लूजेज इंटरेस्ट इन लाइफ, है ना. आफ्टर दैट शी हैज नो इंटरेस्ट इन गोइंग टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज, फिलिंग द फॉर्म फॉर दैट एंड ऑल दैट, है ना. हालांकि उसकी मदर भी बाद में गिल्ट में बहुत रहती है, बहुत ज़्यादा अपना कंसर्न दिखाती है, इवन किडनी भी डोनेट करती है उसके लिए, लेकिन उन सब का क्या फ़ायदा, है ना. उसकी स्पिरिट तो गई, उसका मन तो मर गया. शी लूजेज इंटरेस्ट इन लाइफ एंड फाइनली शी डाइज ऑल्सो. तारा's पोटेंशियलिटी वाज सैक्रिफाइज्ड, उसकी जो क्षमताएं हैं उन सब का बलिदान हो गया एट द अल्टर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. सो तारा एज लॉन्ग एज शी लिव्स ट्विंकल्स इन हर लाइफ विद हर आउटस्टैंडिंग पोटेंशियलिटीज और एबिलिटीज. जब तक तारा जिंदा रहती है तब तक वो तारे की तरह से ही टिमटिमाती है. उसकी योग्यताएं, उसकी क्षमताएं इतनी अलग से हटकर हैं. बट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टैंड्स इन आवर वे, है ना. लेकिन बीच में कौन आ गया, वही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आ गया. द इनोसेंट विक्टिम बिकम्स ट्रोमेटिक व्हेन शी कम्स टू नो दैट हर मदर हैज ए रोल एट द टाइम ऑफ सर्जरी. जब बच्चे को पता चलता है, जब तारा को पता चलता है कि भी सर्जरी के टाइम पे उसकी मदर का रोल रहा, तो वो बात वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई, है ना. स्पिरिट डाइज. सो एनी हाउ द टाइटल इज क्वाइट एप्ट एंड सजेस्टिव एंड इट कैरीज आउट सो ब्यूटीफुली, सो डेफ्टली the theme of this play, that I hope you must have understood what Mahesh Dattani is trying to portray in this play and the message which he wants to spread in the society, है ना. इसी तरह की इतनी संवेदनशील बात करने से, संवेदनशील मुद्दों पे संवेदनशील ढंग से बात करके ही ये ड्रामेटिस्ट जो हैं समाज में एक चेतना लाने की कोशिश करते हैं, है ना. तो राइटर के इसीलिए बोलते हैं कि पेन इज माइटर. लेखनी में बहुत ताकत होती है. लेखनी में ताकत किससे होती है कि इतने खूबसूरत ढंग से, इतना खूबसूरत तरीके से हमारी भावनाओं को, हमारी संवेदनाओं को प्रस्तुत करते हैं. So the dramatist has brought to light a very sensitive issue of the society. Thank you. I hope you understand.